देखा क्या देखा रश्मि जी नीचे आ जाओ। नहीं 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 सही है, सही है, धूप आएगा उधर, सही है। इस तरफ आइए ना, इस तरफ आइए। अरे सही है, सही है, अरे उधर धूप ज्यादा है, सही है। जब से गाना मचा रहे धमाल, क्या है क्या है? गाने ही मचा रहे धमाल, गानों के बगैर कैसी जिंदगी। We need music to have a better life. Yes. So, we're releasing a song for the fourth. Parva hai gaane ka naam. And Lakshmi is featuring. Parva. 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 कोई ना कोई आपको टोकी देता है। Okay, firstly, about the song, congratulations. So tell us something about the song. You guys have came together. गाना जैसे मैंने बताया परवा है गाने का नाम, और मैंने अपनी जर्नी तो ऑब्वियसली देखी, मैंने रश्मि की भी जर्नी देखी है। रश्मि एक सेल्फ मेड एक्टर जो बचपन से इस दुनिया में छा रही है, एंड आई थिंक वी बोथ हैड दैट लाइफ जहाँ हमें जजमेंट्स भी मिली हैं और अच्छा अच्छा तो हुआ ही है लेकिन बुरा भी हुआ है। तो आई थिंक ये सॉन्ग उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ में रहा, जो कहते हैं ना भेड़ चाल से थोड़ा अलग चलना चाहते हैं, तो इट्स लाइक अ इंस्पिरेशन फॉर देम। एट द सेम टाइम आई वुड से ये प्रीची गाना नहीं है, इट्स अ फन सॉन्ग। वी डिड इट इन द कांदिवली स्लम्स। द थॉट ऑफ द सॉन्ग इज कि लोग देख रहे हैं हमें, बट वी आर स्टिल वॉकिंग आर वॉक, टॉकिंग आर टॉक, एंड आई थिंक पीपल विल लव द सॉन्ग होपफुली। हमने अपना काम कर दिया है। आई थिंक द वीडियो, जिस तरह से वीडियो शूट किया है वो बहुत बहुत ही सुपर्ब है, बहुत बहुत अच्छा है। आई थिंक सो लुक वाइज बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा जैसे कि नेहा ने कहा, अगर वैसे भी देखने जाए, आई थिंक द जर्नी इटसेल्फ ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी वेल एंड ब्यूटिफुली शोन इन दिस वीडियो, एंड द वर्डिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुल। इट्स ऑफकोर्स इट्स अ फीमेल सिंगर, बट मोस्टली ये बहुत एक ऐसा एटीट्यूड वाला गाना है जिससे लाइक अपनी गलतियों से भी इंसान डेफिनेटली सीख के आगे बढ़ता है। एंड आई थिंक सो इट्स अबाउट मोस्ट ऑफ द वेमेन जिन्हें एक्चुअली अगर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट दे नेवर गिव अप। इट्स अबाउट दैट एटीट्यूड एंड इट्स लाइक ओके आई स्टिल ट्राई एंड आई विल स्टिल। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर लोगों की बातें सुन के बैठ जाओगे, गलना फड़ के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं करोगे लाइफ में। दैट्स ओके। सो आज आप खतरा खतरा शो में आए हो, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? रश्मि मैम आप फिर से आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे भारतीय आते रहती है बिग बॉस में, बार बार मैं खतरा खतरा पे आना छोड़ूंगी ही नहीं। आज दो सुपर लेडी खतरा खतरा में आया, कितने ज्यादा क्या कुछ गेम्स होगी अंदर इनके हिसाब से? क्योंकि सुंदर लड़कियां हमेशा गीली करनी चाहिए, गीली लड़कियां अच्छी लगती है तो गीली करेंगे। हमें भी गीला होने का बहुत शौक है भाई। ये 9 महीने जो ये खेल नहीं पाई है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही वो सारी बड़ा हम पे निकालने वाली है लग रहा है। निकाले हैं फ्री में, जब कोई आता है तो पूरा निचोड़ के भेजो ताकि नेक्स्ट डे कोई काम ना कर पाए, हम सबको रेस्ट का मौका देते। तो पहले ये हमें गीला करेगी, फिर हमें निचोड़ेगी, फिर हमें घर भेजेगी, राइट बात है? कौन सी गेम होगी कुछ तो पहले बता देंगे, तो फिर रूट पे क्या देखोगे? चलो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।